हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल भंबेवाल आप सभी व्यूवर्स का एक बार फिर से आपके अपने चैनल भंबेवाल फिटनेस विद आयुर्वेदा में स्वागत करता हूँ। आयुर्वेदा सेक्शन में दोस्तों मैं आप सभी दोस्तों के लिए एक नया नुस्खा लेके आया हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखें, इससे आपको नुस्खे का पूरा ब्यौरा मिल सके, क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स है, कैसे बनाना है, किन किन बीमारियों में वो काम आएगा, ये सब जानकारी हमारी वीडियो में रहेंगी। तो आप प्लीज़ जो है हमारी वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज मैं आपको जो नुस्खा बताने जा रहा हूँ वो नुस्खा भी मुझे एक वैद्य जी से मिला था, जिन्होंने वो पर्सनली यूज़ किया था और वो अपने दवा खाने में इस नुस्खे को यूज़ करवाते थे। इस नुस्खे के बहुत ही अच्छे परिणाम मिले हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक रहेगा खांसी, नज़ला, जुखाम, कफ, सांस की बीमारी, मंदाग्नि, अरुचि। ये प्रॉब्लम जिन लोगों को है और काफ़ी पुराने समय से है, काफ़ी टाइम हो गया उनको, लेकिन वो दवाई ले रहे हैं लेकिन उन्हें कोई जो है फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, तो जो आज का नुस्खा है वो आप बनाइए और उसको यूज़ कीजिए, इसके बहुत ही अच्छे परिणाम मिले हैं। तो जिन लोगों को लंबे टाइम से खांसी, जुकाम, नज़ला, कफ आदि बीमारी होती हैं, उनके शरीर में थकावट, अरुचि और खून की कमी भी रहती है, उनका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से नहीं हो पाता है, इसके कारण उनका पूरा शरीर पूरे दिन जो है उन्हें आलस्य महसूस होता है, बॉडी में बिल्कुल भी एक्टिवनेस नहीं महसूस होती और बदन बिल्कुल टूटा टूटा महसूस होता है, शरीर में कोई भी जान नहीं होती। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं या उनके जो कोई फ्रेंड सर्कल में है जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो मैं आज उनके लिए एक नुस्खा बताने जा रहा हूँ। ये नुस्खा आपको दोस्तों कम से कम 31 दिन यूज़ करना है, रिज़ल्ट आपको पहले 15 से 20 दिन में ही मिल जाएगा और एक ये रामबाण की तरह काम करेगा इन बीमारियों में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारे इस नुस्खे के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। आपको चाहिए होगा पहले कुज्जा मिश्री, पीपल छोटी, दालचीनी, बंश लोचन या तबाशीर, इलायची छोटी। ये पांच आइटम है दोस्तों। कितनी कितनी क्वांटिटी में लेनी है ये मैं बता देता हूँ, आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। कुज्जा मिश्री 200 ग्राम, पीपल छोटी 50 ग्राम, दालचीनी 12.5 ग्राम, बंश लोचन 100 ग्राम जिसे तबाशीर भी कहते हैं, छोटी इलायची या सब्ज़ इलायची आपको 25 ग्राम चाहिए होगी। इसी सेम अनुपात में आप ये दवाई कम या ज़्यादा बना सकते हो। इन सभी दोस्तों औषधियों को लेके आपको कूट पीस कर कपड़ छान करके एक शीशी में भर के रख लेना है। तो दोस्तों इससे जो दवा तैयार होगी वो आप एक शीशी में भर के रख लें, पाउडर फॉर्म में आपकी ये दवा तैयार हो जाएगी। और दोस्तों अब बात करते हैं कि इसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी लेनी है आपको। दोस्तों इस पाउडर में से, इस दवा में से आपको 3-3 ग्राम सुबह शाम शहद के साथ चाटनी है। शहद के साथ इसको मिलाइएगा अच्छे से पेस्ट बना के और वो आप चाट लीजिएगा। दोस्तों एक बार फिर से बता देता हूँ, कुज्जा मिश्री 200 ग्राम चाहिए, पीपल छोटी 50 ग्राम, दालचीनी 12.5 ग्राम, बंश लोचन तबाशिर 100 ग्राम, छोटी इलायची 25 ग्राम। ये सारी आपको इसी अनुपात में कम ज़्यादा जैसे भी बनानी है आप लेके उसको कूट पीस कर कपड़ छान करके एक शीशी में भर के रख लीजिए और 3-3 ग्राम सुबह शाम शहद के साथ, शहद लेना है आपको दोस्तों असली, और उसके साथ इसको मिला के इसका पेस्ट बना के वो आपको खाना है। हाँ एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, जो बंश लोचन है, जो तबाशीर जिसे हम कहते हैं, वो जो है बाज़ार में काफ़ी उसकी नकली भी मिलता है, तो आप कोशिश कीजिएगा किसी अच्छे पंसार शॉप से, जो भी आपके नज़दीकी पंसार शॉप है जहाँ आपको लगता है कि वहाँ ओरिजिनल सामान मिलता है, वहाँ आप अच्छा किसी कंपनी का बंश लोचन लीजिएगा। इस नुस्खे से दमा, श्वास, सांस की बीमारी, खांसी, कफ, नज़ला, जुकाम, अरुचि, मंदाग्नि आदि के मरीजों को तुरंत आराम हो जाएगा और वो निरोगी हो जाएंगे। ये नुस्खा किसी का पर्सनल शेयर किया हुआ है और वो काफ़ी प्रॉब्लम महसूस कर रहे थे काफ़ी लंबे टाइम से, और काफ़ी उन्होंने एलोपैथिक दवाई से भी इलाज करवाया लेकिन उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिला था, तब उनको ये एक जो नुस्खा उन्होंने यूज़ किया था बना के, और उनको 15 से 20 दिन में आराम भी मिला और तकरीबन 40 दिन के बाद उनको बिल्कुल ठीक हो गई थी सारी प्रॉब्लम। अंदर एक नई जो जान है वो महसूस होगी, खून बनेगा, खून का दौरा अच्छे से होगा बॉडी के अंदर, और जुखाम, नज़ला इन सब से आपको राहत मिलेगी। तो दोस्तों इस नुस्खे को बनाइए
और आप यूज़ कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे और आपको जो है इसका बेनिफिट मिले तो आप इसको आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो लोग काफ़ी लंबे टाइम से जो है इन प्रॉब्लम से जो निजात नहीं मिल पा रहा है जिनको, वो इसको बना के फ़ायदा उठा पाएँ। बिल्कुल आयुर्वेदिक नुस्खा है, इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो आप सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट, वही आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे नुस्खे आयुर्वेद के, जो हमें अपने अजमाए हुए नुस्खे हैं, उनको लेके आऊँगा, और फिटनेस टिप्स के साथ भी आपको अपना शेयर आपके साथ साझा करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। बी हेल्दी, बी हैप्पी।